काठीगुंड सिमडेगा में मॉब लिंचिंग से युवक को जिंदा जलाने गोइलकेरा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुई नक्सली हमले के साथ उनके दो अंगरक्षक के शहीद पर काठीगुंड के स्थानीय भाजपाइयों ने वर्तमान झारखंड सरकार को हर मोड़ पर विफलता बताते हुए बुधवार को प्रखंड स्थित गांधी चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष लालचंद पाल के नेतृत्व में कार्यक्रम में सैकड़ों भाजपाई कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। श्री पाल ने बताया, लगातार हो रही ऐसी घटना से लोगों में दहशत है। उनका कहना, इस राज्य में बड़े बड़े लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आम लोगों का क्या होगा। इस कार्यक्रम में मनोज नाग, कन्हई पाल, विनोद मंडल, सहदेव दास सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखण्ड सरकार, हेमंत जी का सरकार, वो एक तरह का विफल सरकार रहा। कल सिमडेगा में मॉब लिंचिंग में जिस तरह का अप्रिय घटना घटा, वह बहुत निंदनीय है और बहुत दुखद है। और गुरुचरण नायक जो पूर्व विधायक बीजेपी के थे, उनके अंगरक्षी दो को मारे गए नक्सली में, वो भी बहुत निंदनीय है कि यह सरकार में प्रशासन लोग सुरक्षा का आशा करने छोड़ दिए हैं। कैसे लोग इस राज्य में, कोई भी नागरिक सुरक्षित नहीं है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।